आप आए लगातार एयरपोर्ट्स जो हैं उसकी मंजूरी मिल रही है, एयर स्ट्रिप्स की मंजूरी मिल रही है, ड्रोन्स की मंजूरी मिल रही है और आप निरंतर काम करते हैं। और परसों मैंने एक चीज़ देखी कि आप जब गैलरी में जा रहे थे और पास कर रहे थे उस वक्त भी आपके दिमाग में था कि शायद कुछ करना है, क्योंकि हरदीप सिंह पुरी साहब जब पास हुए, क्योंकि ऑफ रिकॉर्ड थे लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, तो आप उस समय भी आपके दिमाग में था सेशन में जाने से पहले और आप कह रहे थे कि भाई ये काम हमको जल्दी करना है, तो देश की उड़ान कहाँ तक पहुँची है? पहले तो रजत जी आपको मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि एक मौका आपने दिया मुझे इस मंच पर उपस्थित होने का। मैं मानता हूँ कि मोनोलॉग के आधार पर नहीं लेकिन डायलॉग के आधार पर हम लोग विकास और प्रगति के रास्ते पर अग्रसर हो सकते हैं और मंच जैसे आयोजन उसी डायलॉग को साझा करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। बहुत शुक्रिया, तो आप लोगों को बधाई और धन्यवाद भी कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। आपका प्रश्न नागर विमानन क्षेत्र के साथ जरूर जुड़ा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा नागर विमानन क्षेत्र की पृष्ठभूमि पर हम लोग विचार करें। एक ज़माना होता था जहाँ प्लेन नागर विमानन कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित रहता था आवागमन के साधन के रूप में। आज जो पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है और एक बहुत अहम निर्णय लिया है नागर विमानन क्षेत्र की लोकतांत्रिकरण का, प्रजातांत्रिकरण का, उड़ान योजना के तहत उड़े देश का आम नागरिक की हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर पाए, ये एक क्रांति इस क्षेत्र में पैदा कर रही है। और पुरानी सोच विचारधारा थी कि जब विकास और प्रगति हम की हम बात करते थे कि जब प्रगति होगी क्षेत्र में तब डिमांड बढ़ता है हवाई अड्डे का। आज ये पूरी सोच रजत अपने सिर पर टर्न हो चुकी है कि जहां एयरपोर्ट आता है वहीं प्रगति आती है। विश्व भर में अगर कोई भी निवेश कर रहा हो, कोई भी उद्योग लगा रहा हो, तो पहला प्रश्न जो उठता है कि बाय द वे आपके शहर में कनेक्टिविटी कैसी है, और कनेक्टिविटी है तो ताबड़तोब हम पहुंच जाएंगे। तो उस परिप्रेक्ष्य में जो हम लोगों ने 7 साल में हम लोग सफलतापूर्वक कर पाए, भारत में 2014 के पहले 70 सालों में 74 हवाई अड्डे होते थे और इन 7 सालों में हमने 65 नए हवाई अड्डे बनाए हैं केवल 7 वर्ष के अंदर। 139 हवाई अड्डे आज का काउंट है, ठीक है, हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट, वाटरड्रोम सब मिलाकर। तो मैं मानता हूं कि प्रगति और विकास किसी भी देश की उस आर्थिक प्रगति और विकास के साथ ये क्षेत्र जुड़ा हुआ है। और एक मिनट और आपका लेना चाहता हूं, एक आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहता हूं। रेलवेज में सेकेंड क्लास AC अपवर्ड्स, क्योंकि वही हम लोगों का एप्पल्स टू एप्पल्स का कंपैरिजन होता है, वर्तमान में करीब 185 मिलियन लोग, मतलब 18.5 करोड़ लोग रेलवे सेकेंड क्लास AC से अपवर्ड से सफर करते हैं। नागर विमानन क्षेत्र में प्लेन से 14.5 करोड़ लोग सफर कर रहे हैं, पर अंतर है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का। 5 साल का कैगर रेलवे के क्षेत्र में केवल 5.6% सीमित है और नागर विमानन क्षेत्र में 10.5% तक पहुंच चुका है। तो मैं गारंटी से आपके मंच से कहना चाहता हूं कि अगले 6 से 8 सालों के अंदर भारत में ज्यादा लोग नागर विमानन से सफर करेंगे, ये नहीं कि रेलवे सेकेंड क्लास या फर्स्ट क्लास से सफर करें। तो ये हम लोगों की क्षमता है इस देश में। और जो आपने प्रश्न किया, मैं तो रात और दिन अपनी सदैव अपनी जिम्मेदारी के बारे में ही सोचता हूँ। और आपने सही कहा, जो पूरी साहब को मैंने साइड में लेके मैंने चर्चा की पार्लियामेंट में जाने के पहले, हम लोगों की विचारधारा है और आपको भी मालूम है कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी हेली पॉलिसी की घोषणा मैंने की है देहरादून में 8 तारीख को। उस हेली पॉलिसी के आधार पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि
हमारे देश में डेडिकेटेड हेली हब्स बने, एक गुवाहाटी में, एक मुंबई जुहू में, एक गुड़गांव में, और एक मैं कोशिश कर रहा हूं अक्षरधाम में बने। ठीक है, तो उस अक्षरधाम के हेली हब के बारे में मैं उनसे साइट पे चर्चा कर रहा था और उनको मैं अपने मंत्रालय से चिट्ठी दे रहा था कि जल्द से जल्द वो जमीन DDA को दिलवाएं ताकि बहुत कम राशि में हमको मिल पाए ताकि हेली हब अधोसंरचना के रूप में हम लोग वहां स्थापित कर पाए। ठीक है सिन्हा जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो हवाई चप्पल पहनने वाला है वो भी हवाई जहाज में सफर करेगा। आप एयर स्ट्रिप्स बना रहे हैं, एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, छोटे एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, लेकिन जो फ्यूल है ईंधन उसकी कैपिंग को लेकर या फिर प्राइस कैपिंग को लेकर कोई पॉलिसी ऐसी हो, जो कि अक्सर हम देखते हैं फेस्टिव सीजन आएगा, क्रिसमस होगा, न्यू ईयर होगा, जो आम जनता ट्रेवल करना चाहती है वो कैपिंग बहुत दूर हो जाती है और हायर रेट्स लेते हैं उस समय पे एयरलाइंस। उसकी बीच में कैपिंग हुई थी एयर डिस्टेंस को लेकर कि इतनी कैपिंग होगी, लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ ओपन नहीं हो पाई। तो वो जो एक सपना है कि भाई एक आम व्यक्ति जो है वो भी जाए और जाकर टिकट खरीद कर हवाई जहाज में बैठ जाए, वो कब तक ऐसा होगा? देखिए, हम लोगों को नागर विमानन क्षेत्र का स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक्स पर भी ध्यान देना होगा। शायद कोई और ऐसा क्षेत्र इंडस्ट्री में हो जहां एक रॉ मटेरियल का कंपोनेंट 29% उस इंडस्ट्री का कॉस्ट स्ट्रक्चर का भाग हो, और वो केवल सिविल एविएशन सेक्टर है जहां ईंधन, जैसे आपने कहा एयर टर्बाइन फ्यूल, 39% है, 39% है उस कॉस्ट स्ट्रक्चर का। और जिस इंडस्ट्री में लॉसेस चल रही हूं, पिछले वर्ष 19,000 करोड़ के लॉसेस हमारे एयरलाइन कंपनीज के रहे, जिस इंडस्ट्री में लॉसेस चल रही हूं उस इंडस्ट्री का कॉस्ट स्ट्रक्चर उसका रेवेन्यू स्ट्रक्चर भी बन जाता है। तो अगर आप 1 रुपए कमा रहे हैं और उस 1 रुपए से 39 रुपए सीधा एक ही रॉ मटेरियल कॉस्ट पे जा रहा है, तो मतलब कि आपको सारे बाकी कॉस्ट और अपना मार्जिन वो बाकी 61 रुपए में कमाना पड़ेगा, जो असंभव है। तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है नागर विमानन मंत्री होने के नाते कि उस इकोनॉमिकल कॉस्ट स्ट्रक्चर को भी हम लोग किफायती बनाएं, क्योंकि अगर उसे हम किफायती ना बनाएंगे तो आप रेट्स की बात कर रहे हो टिकट्स की, अगर उसको हम किफायती नहीं बनाएंगे तो ये एयरलाइंस भी ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, क्योंकि जो इंडस्ट्री 19,000 करोड़ की लॉस बना रही है पिछले वर्ष, उस इंडस्ट्री को अगर हम रिससिटेट ना करें तो वो ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। और इसलिए मेरी पूर्ण कोशिश और पूर्ण परिश्रम ATF के कॉस्ट स्ट्रक्चर को किफायती बनाने पर रहा है। मैंने वित्त मंत्री जी से बात की है कि जो 11% एक्साइज ड्यूटी लगता है ATF पर, वो हमें घटाना होगा, क्योंकि एक तो ATF पर 8% एक्साइज ड्यूटी लगता था जब तेल का दाम $40-50 प्रति बैरल होता था, तेल का दाम आज 80-85 प्रति डॉलर प्रति बैरल हो गया, और उस पर अगर 11% लगेगा तो आप ही समझो इंडस्ट्री होने के नाते उनके ऊपर भार कितना है। तो केंद्र सरकार को भी उस एक्साइज ड्यूटी को कम करना होगा, और उसी के साथ राज्य भी अलग से वैट लगाती है। अब कुछ राज्य सीमित लगाते हैं 1-5% से, ज्यादा करके राज्य लगाते हैं 25-30% वैट। तो एक तेल का दाम बढ़ गया, दूसरा केंद्र का एक्साइज ड्यूटी, उसके ऊपर 30% वैट, तो कौन सवारी कर सकता है? तो 22 मुख्यमंत्रियों के साथ मेरी चर्चा हुई और आपके इस मंच से मैं उन 8 मुख्यमंत्री स्ट्रोक LGs को बधाई देना चाहता हूं दिल के गहराइयों से, जो मेरे चर्चा के आधार पर, मेरे समझाने के आधार पर स्वयं स्वीकृति के साथ कैबिनेट में प्रस्ताव उन्होंने मूव किया, नोटिफिकेशन मूव किया, और जो 25-30% वैट उनके प्रदेश में या उनके यूनियन टेरिटरी में होती थी उसे घटाकर 1-2% कर दिया पिछले 3 महीने में। और वो 8 राज्य, तालियां आप जरूर बजाइएगा 8 राज्य के नाम के बाद ताकि उनको सुनाई दे, अंडमान एंड निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मेरा राज्य मध्य प्रदेश,
त्रिपुरा, इन 8 राज्यों ने 25 से 30 प्रतिशत से घटाकर 1 से 2% कर दिया। हमको ये इंडस्ट्री को सस्टेनेबल बनाना होगा, ठीक है। जब सस्टेनेबल बनाना होगा तभी लॉन्ग टर्म हम लोग इसे बढ़ा पाएंगे, ठीक है। इसमें एक सिंधे जी एक बड़ा सवाल विपक्ष ने भी खड़ा किया, जो वर्ड आया मोनेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन। कहा साहब एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, एयरलाइंस दिए जा रहे हैं, जो सरकार की संपत्ति है उसको मोनेटाइज किया जा रहा है। तो इस पर विपक्ष का कहना था कि साहब आप क्यों बेच रहे हैं, आप खुद चलाइए। देखिए, मुझे तो अभी रूपाला जी बोल रहे थे, आप उस कुर्सी में बैठो तो आपके अलग स्वर, आप इस कुर्सी में बैठो तो आपके अलग स्वर, जनता जानती है भैया, जनता जानती है और जनता सबसे ज्यादा समझ रखती है। जिस पार्टी ने सरकार में बैठकर 35 PSUs का 99,000 करोड़ रुपए का विनिवेश किया हो, वो किस दम के आधार पर उस कुर्सी विपक्ष में बैठकर आज आलोचना कर रही है सरकार की? जिंदगी में याद रखना, चाहे आप जनसेवा के पथ पे हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे आप उद्योगपति हो, चाहे आप समाज सेवक हो, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और जहां तक मुद्दा इन्होंने विनिवेश का उठाया है, कठिनाई है कि या तो ये समझते नहीं है और या तो ये समझना नहीं चाहते। नागर विमानन क्षेत्र में ना विनिवेश हो रहा है, ना सरकार के एसेट्स को बेचा जा रहा है। हमने 6 एयरपोर्ट्स दिए हैं जरूर, पर वो 6 एयरपोर्ट्स हमने लॉन्ग टर्म लीज पे दिया है। इसका क्या मतलब कि रजत जी को हमने 50 साल के लीज पे दिया है, तो रजत जी जब वो लीज ले रहे हैं तो रजत जी आज के दिन पर चेक काट रहे हैं सरकार के नाम पर उन एयरपोर्ट्स के लिए कि जो हम लोग ने निवेश उन एयरपोर्ट्स पे किए हैं, नंबर वन। नंबर टू, अगले साल से जितने भी यात्री उस एयरपोर्ट में आएंगे हर एक यात्री का रेवेन्यू शेयर सरकार को दिया जाएगा। और नंबर तीन, सबसे प्रमुख, कि 50 साल बाद पूरा एयरपोर्ट इनके सारे निवेश के साथ वापस सरकार को फ्री, सरकार का स्वामित्व उस एयरपोर्ट पे दोबारा होगा। तो ये विनिवेश कहां से हुआ? इसलिए मैं कह रहा हूं, या तो वो समझते नहीं है और या तो वो समझना नहीं चाहते। ठीक है, ठीक है सिद्धि, क्योंकि कुर्सी की आपने बात करी कि जब आप उधर बैठते हैं या आप इधर बैठते हैं तो सोच बदल जाती है। आप लेफ्ट हैंड वाली जो लोकसभा में स्पीकर, लेफ्ट हैंड वाली जो बेंचेस थी वहां पर भी थे, वहां से भी आवाज़ उठाते थे। राइट हैंड साइड अब ट्रेजरी बेंच पे भी है, क्योंकि चेयर की बात हुई तो दृश्य याद आया थोड़ा सा। क्या अंतर है सोच में, काम करने के तरीके में, लेफ्ट और राइट? अगर हाउस की हम बात करें, इसको आप लेफ्ट राइट मत कहिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, नंबर वन। नंबर टू, प्रजातांत्रिक देश में मैं तो ये मानता हूं कि जितना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। तभी हम लोगों की डेमोक्रेसी वाइब्रेंट रहती है, तभी हमारा लोकतंत्र जीवित रहता है। आपने मुझे पूछा अंतर क्या है, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, क्योंकि मैं जनसेवा में आने के पहले एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट वातावरण में 7 साल मैंने नौकरी की है बैंकिंग में। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अटेंशन टू डिटेल होता है, जो डिलीवरी और क्रियान्वयन पे रेखांकित की जाती है, जो हर मुद्दे पर फॉलोअप किया जाता है, टारगेट के आधार पर हमें काम करना है। एक तो कार्य पद्धति, नंबर वन। नंबर टू, जनता के साथ हमें कैसा जुड़ना है, जनता के साथ हमें कैसे सेवा करना है। और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कि जो नारा निकला है कि सेवा ही संगठन है, और इसका स्वयं मैंने अनुभव किया कोरोना काल में, जब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान का की
फिक्र न करते हुए सड़क पे पहुंचा था जनता की सेवा करने के लिए। जनसेवा का पथ अपनाना है तो मैं मानता हूं संगठन से और प्रधानमंत्री जी से ही हम लोगों को जो ऊर्जा मिलती है उसके आधार पर कार्य करने की क्षमता हमारी बनती है। ठीक है, नहीं आपने पार्टी छोड़ी कांग्रेस पार्टी, G23 भी आपने देखा होगा, अभी हम देख रहे हैं TMC में लाइन लगी हुई है, जितने भी लीडर्स हैं लगातार जा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि बहुत क्लोजली आप वर्क करते थे कांग्रेस पार्टी में भी, ऐसी दिक्कत कहां पर आ गई? देखिए जो यूथ है, लीडर है, वो लगातार पार्टी से बाहर जा रहा है। एक तो मैं ये कहूं कि चाहे हम लोग राजनीति में देखें, जनसेवा में देखें, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर देखें, नेतृत्व को ग्रूम करने में सालों साल लगता है। नेतृत्व चुटकी भर में नहीं बनता, अनुभव के आधार पर बनता है, विषम परिस्थितियों से निकल के बनता है। पर उसके अतिरिक्त मैं ये कहूँगा कि मेरी सदैव प्राथमिकता या तो वर्तमान में रही है और या तो भविष्य में रही है। मेरी वर्तमान, मेरा मंत्रालय की जिम्मेदारी जो प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिया है, पार्टी के आम कार्यकर्ता के रूप में जो मेरी जिम्मेदारी, वो मेरी प्राथमिकता है। और भविष्य की, कैसे हम लोग इस क्षेत्र को और विकसित कर पाएँ, प्रगतिशील कर पाएँ। मैं अतीत में अपना समय व्यर्थ नहीं करता और ना मैं किसी और दल या किसी और पार्टी के लिए उत्तर देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। उनको अपना भविष्य सलामत, हमें अपना कार्य करना है, देश को हमें आगे बढ़ाना है, उसी पर हम अपना ध्यान पूरी तरह से हम लगा रहे हैं। ठीक है, आखिरी सवाल, क्योंकि आपको निकलना है सिंधिया जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अभी आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी भी काशी में थे, लगातार हमने वहां से विजुअल्स देखे, और यूपी की एक बड़ी लड़ाई है माना जाए, 5 राज्यों में चुनाव है लेकिन यूपी की है। आपने भी यूपी आप जाते रहे हैं, कैंपेन करते रहे हैं, पहले भी आप जनरल सेक्रेटरी पिछली पार्टी में थे, यूपी के चुनाव को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी काशी गए, फिर लगातार लोगों ने उनको टारगेट किया, अखिलेश यादव भी बोले, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी टारगेट किया और शब्दों का भी प्रयोग किया, आपने जरूर देखा होगा, यूपी की लड़ाई कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो व्यक्ति अपने जीवन में जनसेवा अपना पथ माने, और मैं तो ये मानता हूं कि देश में ऐसा वातावरण शायद पिछले कई दशकों में हमने ना देखा हो, जहां देश की प्राचीन इतिहास को दोबारा प्रचलित करने का प्रयास किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधा गंगा के साथ जोड़ के एक कॉरिडोर बनाया गया और देश की प्राचीनता को उसके साथ जोड़ा है और कई हजारों लोगों की का योगदान उसमें रहा है, और जहां श्रमिकों को इतना महत्व हमारे प्रधानमंत्री ने दिया, जो हमारे देश के नींव हैं, बनाते वो हैं और मंच पे बैठ जाते हैं नेता, और वो एक उदाहरण प्रधानमंत्री जी ने दिया है। टीका टिप्पणी करना बहुत आसान है रजत, अपने आप काम करके दिखाना बड़ा मुश्किल। और मैं ये विश्वास रखता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता कामदार और नामदार में फर्क अच्छी तरह से जानती है। ठीक है, एक सवाल, क्योंकि जब आप आ रहे थे तो कई फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो पूछिएगा जरूर, वो राजनीति सिविल एविएशन से बिल्कुल हट करें। आखिरी सवाल होगा आपका, आप फिटनेस के लिए क्या करते हैं? कुछ दिन पहले हमने देखा आप ग्वालियर में एक स्टेडियम था, शायद आप वहां दौड़ रहे थे और जो आपके साथ शख्स थे वो शायद नहीं दौड़ पाए, गिर भी पड़े थे, और लोग कहते हैं साहब जब से देख रहे हैं तब से वैसे ही बने हुए हैं। तो लोग, 3-4 लोग थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये सवाल जरूर पूछिए। ये कई बार मेरे लिए कठिनाई भी हो जाती है। देखिए, जिंदगी में सदैव हमको बचपन से सिखाया गया था माता पिता दोनों के द्वारा कि जिंदगी में कभी भी एक्सेस नहीं होना चाहिए, और हम लोग कई बार भूल जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अगर कसरत करते हैं, हम लोग अपने आप को फॉर्म में रखने की कोशिश करते हैं तो वो अपने आप में काफ़ी है। जो मैंने पढ़ा है, मेरी रुचि भी है इस क्षेत्र में, केवल 20% आपका कसरत सफलता प्राप्त करवाता है, 80% डाइट,
और हमारी आदत है कि हम लोग कुछ भी देख लेते हैं तो हाथ लगा लेते हैं, तो उस पर हमें कंट्रोल हमें रखना होगा। सीमित भोजन और समय पर भोजन, ये हमें रखना होगा, और यही हम लोगों को स्वस्थ अंत में रखती है। बहुत शुक्रिया ज्योतिराधे सिंधिया साहब, आप आए और मंच पर सपने हैं, खासतौर पे जिस तरीके से सरकार वहाँ पर काम कर रही है। मैं सिविल एविएशन की क्या क्या तैयारियाँ, क्योंकि कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट की जमीन जो है एक्वायर हो गई है और बहुत कुछ वहाँ पे निवेश होने जा रहा है, तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि अयोध्या जो आपके लिए एक विज़न है, उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए भी बेहद अहम है और प्रधानमंत्री के लिए भी सपने जैसा है, तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या क्या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो है वो सिविल एविएशन मंत्रालय वहाँ पर करने जा रहा है। देखिए, हर चीज़ को मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि शुरुआत भी उदय ने इसी से की थी। हर चीज़ को आप चुनाव के दृष्टिकोण से मत देखो। आप जिस उत्तर प्रदेश में 2014 के पहले केवल 4 एयरपोर्ट थे, उस उत्तर प्रदेश में आज के दिन 9 एयरपोर्ट हैं 7 साल के अंदर, मतलब 120% वृद्धि 7 साल के अंदर, और उन 7 सालों में कई लोकसभा चुनाव हो गए, कई विधानसभा चुनाव हो गए। और हमारी कोशिश है कि ये 10वां एयरपोर्ट जो जेवर की भूमि पूजन हमने की है, इसी के साथ साथ आने वाले समय में 7 और एयरपोर्ट हम लोग उत्तर प्रदेश में स्थापित करें। तो जिस उत्तर प्रदेश में केवल 4 एयरपोर्ट थे, आने वाले एक दशक के अंदर वहां 17 एयरपोर्ट होंगे। उत्तर प्रदेश मत भूलिए आप कि ये इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस तीनों की आबादी को भी आप जोड़ लो तो उससे ज़्यादा आबादी वाला हमारा प्रदेश है, और यही हमारी सोच पूरे भारतवर्ष के लिए है। देहरादून का एयरपोर्ट की शुरुआत हमने अभी की है, अगरतला की एयरपोर्ट तैयार है, 21 ऐसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स पूरे देश में हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये आवागमन का रीढ़ का हड्डी बनने वाला है नागर विमानन क्षेत्र आने वाले समय में। और केवल बड़े बड़े शहर नहीं, छोटे छोटे शहर, उदाहरण मैं आपको दूं ऐसे शहरों का जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हवाई पट्टी पूरे देश के मानचित्र से गायब हो गई थी। उड़ीसा में झरसुगुड़ा, आसाम में रूपसी, दरभंगा, और जो एयरपोर्ट्स वहां स्थापित हुए हैं पिछले 3-4 साल पहले, आज के दिवस पर 5 लाख यात्री प्रतिवर्ष इन एयरपोर्ट से आवागमन कर रहे हैं। तो ग्रोथ भारत में आने वाला है अब मेट्रो से नहीं, ग्रोथ आने वाला है हब एंड स्पोक सिस्टम से, छोटे छोटे शहरों से, और उसमें अयोध्या भी शामिल है। अयोध्या का एयरपोर्ट भी तीव्र गति से हम लोगों का कार्य हो रहा है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हमें मिल चुका है, उस इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के साथ तीव्र गति से कार्य शुरू होगा। हमारी आदत नहीं है कि हम लोग घोषणाएं करें और जमीन पर कुछ कार्य ना हो, जब तैयारी होगी उसी के साथ कार्यक्रम जरूर होगा अयोध्या का भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सिंधिया जी मंच पर आने का और विचार शेयर। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.